क्यों होने जा रही है मेलबर्न फिल्म फेस्टिवल में कुछ कुछ होता है की स्पेशल स्क्रीनिंग। हेलो दोस्तों, बॉलीग्राड स्टूडियो से मैं हुसानिया सैफी। सुपरस्टार शाहरुख खान की फिल्म कुछ कुछ होता है आज भी लोगों की पसंदीदा फिल्म है और लोग इसको देखना पसंद करते हैं। फिल्म में काजोल और रानी मुखर्जी लीड रोल में नजर आई थी, वहीं शाहरुख और काजोल की जोड़ी को लोगों ने खूब पसंद किया था। अभी हाल ही में आई खबरों के मुताबिक इस फिल्म की स्क्रीनिंग इस साल मेलबर्न फिल्म फेस्टिवल में होने वाली है। इस फिल्म को बनाने वाले करण जौहर इस मौके पर काफी ज्यादा खुश हैं और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इस साल कुछ कुछ होता है अपने 20 साल पूरे कर रही है। फिल्म तब भी हिट थी और आज भी लोगों के दिलों में हिट है। 1998 में रिलीज हुई इस फिल्म ने धमाका किया था और उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी। अगर इस फिल्म के गानों की बात भी करें तो आज के वक्त में भी इस फिल्म के गानों को उसी तरह से दर्शक गुनगुनाते हैं जिस तरह उस वक्त इस फिल्म के गानों का क्रेज था। करण जौहर ने फिल्म की स्क्रीनिंग को लेकर कहा कि ये एक बहुत ही लंबी यात्रा रही है, 20 साल का सफ़र तय करना इतना आसान तो बिल्कुल नहीं था। मैंने उस समय अच्छी तरह से कहानियों को बताने और एक कहानीकार बनने से लेकर फ्रीडम के तहत काम किया था। फिल्म के प्रति लगाव और उनका निर्माण करना मेरा जुनून है और मुझे हमेशा से ही सिनेमा के प्रति गहरा प्रेम रहा है। करण जौहर ने काफ़ी फिल्में बनाई हैं और ज़्यादातर फिल्मों ने शानदार प्रदर्शन किया है और इन फिल्मों की लिस्ट में नाम शामिल है कभी खुशी कभी गम, ए दिल है मुश्किल, माय नेम इज़ खान, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, बॉम्बे टॉकीज़, धड़क और स्टूडेंट ऑफ द ईयर। उम्मीद करते हैं कि मेलबर्न फिल्म फेस्टिवल में भी इस फिल्म को उतना ही प्यार मिलेगा जितना ये फिल्म डिजर्व करती है। इस तरह की और दिलचस्प बातें जानने के लिए जुड़े रहिए बॉलीग्राड स्टूडियो से। मैं हुसानिया सैफी, जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, लेकिन तब तक प्यार बांटते रहिए।